का नॉनवेज कॉम्बो, वो भी दो लोगों के लिए शेयरेबल कॉम्बो है, ये दो लोगों के लिए और ये नॉनवेज कॉम्बो है। इसमें आपका जो मेनू रहता है वो सेट रहता है, लेकिन काफ़ी कुछ वैरायटी यहाँ पे आपको मिल जाती है, जो कि ये आपका पार्क स्ट्रीट एरिया में है। ये इसका नाम जो है ये इटानिया। तो मैं आपको लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या। हम अंदर आ चुके हैं और ये रहा आज का मेनू। आप जैसे इतना आइटम देख रहे हो ना, ये सारा हमें मिलने वाला है 399 में दो लोगों के लिए। सूप आ चुका है, ये आपका स्वीट कॉर्न सूप है। ये देखिए चिकन आपको दिख रहे होंगे, देखिए चिकन भी बहुत अच्छा दिख रहा है आपको। चलिए आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसा है टेस्ट। काफ़ी गर्मा गर्म है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। चिकन जो है बहुत अच्छे से मुँह पे आ रहा है, चम्स उसका अच्छे तरीके से दिया गया है और कॉर्न का भी फ्लेवर आ रहा है। सूप बहुत टेस्टी है। ये देखिए दो स्टार्टर आ चुका है यहाँ पे मेरे पास। ये जो है आपका ये है अमेरिकन कॉर्न पेपर सॉल्ट, सॉरी। चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग बारबेक्यू नेशन में खाते हैं ना, टेस्ट बिल्कुल वैसा वैसा ही लग रहा है। बट इसमें क्या है, इन्होंने धनिया वगैरह से डाल के यहाँ पे प्रिपरेशन किया, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है टेस्ट खाने में। और यहाँ पे इन्होंने कोल्ड ड्रिंक के साथ कोल्ड ड्रिंक भी दिया, ये देखो। ये रहा हमारा आज का दूसरा स्टार्टर। तो इन्होंने हमें दिया है ड्रम्स ऑफ हेवन, जो चार पीस दिया है दो लोगों के लिए। और मैं बता दूँ प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा किया था इन्होंने, और टेस्ट वाइज काफ़ी बढ़िया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ज़्यादा कोटिंग नहीं किया था, ज़्यादा मोटा नहीं किया था। आप जैसा देख सकते हो चिकन दिख रहा है आपको, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ड्रम्स ऑफ हेवन। तो ये रहा हमारा आज का मेन कोर्स। मेन कोर्स में आपको मिल जाता है चार डिशेस, जिसमें आपको एक राइस के, एक नूडल्स और दो आपको ग्रेवी आइटम्स मिल जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ ये नूडल्स के, तो ये वेज नूडल्स है, वेज चाउमीन भी आप बोल सकते हो। तो इसमें अच्छे से वेजेस वगैरह डाली हुई थी और क्वान्टिटी भी सही थी। और ये रहा वेज नहीं, ये है एग फ्राइड राइस, इसकी भी क्वान्टिटी सही थी। और इसका जो प्रेजेंटेशन है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और जो एग इन्होंने डाला है उसका भी जो क्वांटिटी है वो काफ़ी सही था। और ये जो ये है चिकन मंगोलियन, इसका भी जो पीस है वो उन्होंने चार पीस दिया है मुझे, और डिसेंट साइज़ है। अब इसे टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा कि ये खाने में कैसा है। और यहाँ पे हमें मिल जाता है एक प्रॉन प्रिपरेशन भी, ये प्रॉन इन चिली सॉस समथिंग कुछ, प्रॉन बॉल समथिंग, और इसका भी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा है। इन्होंने चार पीस दिए हैं। ये रहा मेरा आज का मेन कोर्स। तो सबसे पहले मैं ट्राई करने वाली हूँ वेज हक्का नूडल्स, या वेज नूडल्स जो भी आप बोल लो इसे। तो मैं बता दे रही हूँ ये टेस्ट वाइज काफ़ी सही लगा मुझे। इसमें काफ़ी अच्छे से वेजेस वगैरह डाली गई थी, और इसमें जो स्मोकी फ्लेवर आ रहा था जैसा वेज नूडल्स में होना चाहिए, सेम बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और ज़्यादा ऑयली भी नहीं थी, तो ये आप आराम से खा सकते हो। तो अब मैं बात करती हूँ प्रॉन बॉल्स इन मंचूरियन की। तो ये ना प्रॉन के ना मिंस्ड के बॉल बना के सॉस में डाले गए थे, तो इसमें काफ़ी ये फ्रेश लगा मुझे, सॉफ्ट था और बहुत ही अच्छा। इसमें स्वीटनेस और स्पाइसनेस दोनों की फ्लेवर आ रही थी। अब मैं बात करती हूँ चिकन मंगोलियन की। तो मैं बता दूँ ये चिकन बहुत ही फ्रेश था, बहुत ही सॉफ्ट था, मुझे काफ़ी सही लगा चिकन। थोड़ी टैंगीनेस थी, ओवरऑल मुझे बहुत ही अच्छा लगा चिकन का टेस्ट। तो मुझे तो ये वाली जो डिश है ना, मुझे काफ़ी पसंद आई। और मैं बात करती हूँ राइस की। तो आप जैसा देख सकते हो ना, एग की जो क्वांटिटी वो काफ़ी अच्छे से दी गई थी, और वेज फ्राइड राइस
प्रॉन मंचूरियन के साथ खाने में काफ़ी लाजवाब लगी मुझे। मैं इतना कॉम्बो ट्राई की, वे बुफे ट्राई की, मुझे बेस्ट लगा। 399 में इतना अच्छा सा कॉम्बो जो मिला मुझे, ये काफ़ी सही लगा दो लोगों के लिए। तो चलिए मैं इसे फिनिश करके आपको डेजर्ट में मिलती हूँ। तो ये रहा हमारा आज का लास्ट आइटम, चॉकलेट डेजर्ट। आप बोल सकते हो उसे फिर चॉकलेटी, बिकॉज हमें मिल गया डेजर्ट में दो चॉकलेट आइसक्रीम के, जो खाने में काफ़ी लाजवाब थे। मुझे इस बुफे या कॉम्बो बोल सकते हो, इसका ये अच्छा लगा कि हमें इसमें डिज़र्ट भी मिल जाता है और साथ में आपको मिल जाता है दो माउथ फ्रेशनर के। और ये रहा हमारा आज का जो बिल है वो ये रहा। तो चलिए मैं आपसे बाहर मिलती हूँ। तो आ गए हम बाहर, खाया बहुत सारा खाना, खाया पेट भर गया पूरा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था इनका जो खाना था। जिस हिसाब से इनका रेट था 399, उस हिसाब से जो फूड की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही परफेक्ट, दो लोगों के लिए आराम से आप खा सकते हो। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।